का स्वागत है। अखिलेश सरकार के चहेते अफसर सीनियर रमा रमन को हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए यूपी सरकार से नाराजगी जाहिर की है। हाई कोर्ट के इस सख्त कदम के बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रमा रमन का तबादला कर दिया गया है। अभी तक सीनियर आईएएस रमा रमन को कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है और उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। यूपी की अखिलेश यादव के चहेते अफसर सीनियर आईएएस रमा रमन की तैनाती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार द्वारा उन्हें बनाए रखने पर नाराजगी जताते हुए खुद रमा रमन से पूछा था कि इतनी विवादित जगह पर तमाम झेलने के बावजूद वह आखिर इस पद पर क्यों बने रहना चाहते हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमा रमन के काम पर लगी रोक को हटाने की यूपी सरकार और रमा रमन की अपील को भी नामंजूर कर दिया था। चीफ जस्टिस दिलीप भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एनसीआर में रमा रमन की नियुक्ति के दौरान हुए जमीनों के अधिग्रहण और कोर्ट से उन्हें रद्द करने व रोक लगाए जाने का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया। कोर्ट ने रमा रमन की नियुक्ति के दौरान एनसीआर के तीनों प्राधिकरणों में तैनात दूसरे अफसरों के नाम, उनके कार्यालय की अवधि और सभी को हटाए जाने की वजह भी पूछी। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां अपनी मर्जी से अड़ी शादी पर एक युवती की मौत हो गई। युवती के परिजनों ने मौत की वजह पेट दर्द बताया, लेकिन युवती के एक वीडियो ने ऑनर किलिंग के इस राज को खोल दिया है। दरअसल परिवार वाले जब युवती के मुंबई से वापस हाथरस लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ट्रेन में युवती ने टॉयलेट में छुपकर एक वीडियो बना ली और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। युवती ने वीडियो में कहा, मैं इमरान से प्यार करती हूँ, उससे ही निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता भाई और परिजन इसके लिए राजी नहीं है। वे मुझे मार देना चाहते हैं, मुझे इन सबसे खतरा है। अगर उसे कुछ होता है तो उसकी मौत के जिम्मेदार ये लोग होंगे। अब पुलिस ने वायरल हुई इस वीडियो के आधार पर युवती के माँ बाप और भाइयों सहित 6 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। फिलहाल ये सभी लोग फरार हैं। एसएसपी ने बताया है कि एक कुरैशी परिवार ने मुंबई से लाकर अपनी लड़की की हत्या की है। उन्होंने बताया है कि युवती के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इसके लिए उसके शव का कब्र में निकालने की परमिशन मांगी गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सांसद अमर सिंह की शिकायत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भी ना मिलने की शिकायत करते रहते हैं। अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब सबसे मिलता ही रहूंगा तो काम कब करूंगा। हाल ही में समाजवादी पार्टी में वापस आकर सांसद बने अमर सिंह ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिल ना पाने व बात ना कर पाने को लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया था। मुख्यमंत्री जब पत्रकारों से मिले तो उन्होंने कहा कि ना मिलने की शिकायत तो अमर सिंह अंकल को भी है, अब इसका समाधान कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। सबसे मिलता रहता तो इतनी तेजी से एक्सप्रेस व मेट्रो निर्माण जैसी सौगातें प्रदेश को कैसे देता। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के नामकरण संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस वे लखनऊ, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद सहित कई जिलों से होकर जाएगा, इसीलिए इसका कोई अन्य नामकरण नहीं होगा। भविष्य में भी इसका नाम बदला नहीं जा सकेगा। राज्य सरकार कंजूसी नहीं करती है। हम बुंदेलखंड का पैकेज बांटने जा रहे थे तो अफसर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। हमारी सरकार का दिल बड़ा है, हम कंजूसी नहीं करते। हमने यश भारती के साथ पेंशन दी तो पद्म पुरस्कारों के साथ पेंशन देने पर राज्यपाल ने भी सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर आवास योजना की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि 15 दिन के भीतर यह योजना लॉन्च कर दी जाएगी। विलक्षण प्रतिभा की धनी 4 साल 8 महीने की अनन्या वर्मा का यूपी बोर्ड के 9वीं कक्षा में ऑफलाइन पंजीकरण करवाया जाएगा। दरअसल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में न्यूनतम आयु सीमा 12 वर्ष की है। ऐसे में 4 साल 8 महीने की अनन्या का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म नहीं भर पाया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव शैल यादव ने कहा कि वह अनन्या का ऑफलाइन पंजीकरण करवाने के लिए राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेंगी। अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ की ओर से उन्हें अनन्या के पंजीकरण के लिए ना तो कोई पत्र मिला है, ना ही मौखिक जानकारी दी गई है। यदि समय रहते जानकारी मिल जाती तो ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ही विशेष अनुमति ले लेते।
DIOS उमेश त्रिपाठी का कहना है कि कम उम्र के कारण सॉफ्टवेयर ने इस बच्ची का फॉर्म स्वीकार नहीं किया, पत्र भेजने में देरी व भ्रम के चलते मामला फंस गया। फिलहाल विशेष अनुमति देकर दाखिला किया गया है तो पंजीकरण भी करवाया जाएगा। कानपुर रोड पर स्थित बरिगवा में रहने वाले तेज बहादुर वर्मा की सबसे छोटी बेटी अनन्या को 20 अगस्त को DIOS की विशेष अनुमति से सेंट मिराज इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं में दाखिला दिया गया है। उसकी जन्म तिथि 1 दिसंबर 2011 है। ऐसे में 9वीं में उसका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो सका। फिलहाल पंजीकरण न होने पाने से परिवार में मायूसी है। पिता कहते हैं कि 2.5 वर्ष की उम्र में अनन्या रामचरित मानस का पाठ फर्राटे से कर रही है। उन्होंने खेल खेल में पढ़ने की सीख दी और अनन्या अपने बड़े भाई बहन से ज्यादा तेज है। ऐसे में वह इनका रिकॉर्ड निश्चित तौर पर तोड़ेगी। अद्भुत लम्हे, अद्वितीय सौंदर्य, अलौकिक छटा, कान्हा के आगमन की उत्कंठा में ब्रिज वसुंधरा का कड़कड़ तेजोमय हो उठा। अजन्मे के जन्म की घड़ियां नजदीक आ रही थी तो श्रद्धा भी पलकें झपकना भूल गई। घड़ी ने जैसे ही 12 बजने का घंटा बजाया तो शंखनाद ने श्री कृष्ण के अवतरित होने की घोषणा कर दी। घंटे घड़ियाल की आवाजें आनंदित करने लगी, शहनाइयों की धुने संकीर्तन करने लगी, फिजाओं में वेद ध्वनि गूंज उठी, हवाएं मंत्रोच्चारण करने लगे, होठ जय कन्हैया लाल की खुद व खुद कहने लगे, प्रभु जन्म की दिव्य लीला के बीच भक्त बेसुध होकर नाचने लगे। कुछ ही देर में महाभिषेक शुरू हो गया। इससे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव हुआ तो प्रभु के आगमन की सूचना का संकेत भक्तों को मिल गया। रात्रि 11 बजते ही श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन से जन्माभिषेक महोत्सव का शुभारंभ हो गया। फिर 11:55 पर 1008 कमल पुष्पों से प्रभु को माल्यार्पण किया गया तो अपनी किस्मत पर गौरवान्वित पुष्प खिलखिलाने लगे। तो फिलहाल के लिए यूपी स्पेशल में बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।